आज आपने मॉर्निंग में मेरा व्लॉग देखा होगा अनबॉक्सिंग का, कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग पहले तो बताइएगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी कबर्ड से ज़्यादा अच्छे सबको अंश के शूज लग रहे हैं। ओके ओके गुड, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। तो फाइनल आप सबके कमेंट्स भी देखे और घर पर भी डिस्कस हुआ, तो फाइनल यही हुआ कि हम कबर्ड वापस नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी क्यूट सी है, मम्मी को भी बहुत पसंद आ रही है। मम्मी के लिए रहने थे, घर पर ही रख ले, काम आ जाएगी। तो काम तो आएगी, काम तो लाना पड़ेगा ना, तो मैंने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करा है, सोचा है उसे मैं अपने ही कब्जे में लूँगी। मतलब उसमें मेरा ही सामान जाएगा। मेरा बहुत सारा सामान है जो मैंने छोटे 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 बॉक्सेस में रखा हुआ है, और जब मुझे कहीं यूज़ करना होता तो मुझे फिर वो बॉक्सेस ना ढूंढने पड़ते हैं, ये बॉक्स वो बॉक्स, इधर से निकाल उधर से निकाल, और कभी कभी टाइम पर मुझे चीज़ मिलती भी नहीं है। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मैंने फैला रखा है अपना सामान और कितने सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं मेरे पास, जिनको अब मैं उन कबर्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। तो फाइनली यही सोचा है कि उस कबर्ड को बनाऊंगी मैं अपनी कॉस्मेटिक, अपनी ज्वेलरी एंड ऑल के लिए उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जरा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फोकस कीजिए नीचे, देखिए। तो एक बॉक्स, दो, तीन, पीछे की चार, इसका फिर एक ये बॉक्स आगे से भी और पीछे से भी, ये भी है, फिर एक बॉक्स ये है मेरा, और एक ये है जिसमें इयररिंग्स हैं, एक ये पाउच है जिसमें मेरे इयररिंग्स हैं, और एक ये है मेरा इयररिंग्स, और ये छोटे छोटे आपको इधर शो करती हूँ, मेरे छोटे छोटे तो इधर रखे हुए हैं जो मेरे डेली यूज़ वाले हैं ना, जो छोटे छोटे स्कूल में मैं पहन कर, ये इजी टू वियर होते हैं, इसमें क्या कहते हैं ना, पीछे पेच वगैरह नहीं है इसमें, तो ये इजी टू वियर है एकदम, बस पहनो और निकलो, नहीं तो उनके पीछे पेच लगाओ और ये सब करो, इसमें प्रॉब्लम होती है। और ये सारे जो है, इन सब में पीछे पेच एंड ऑल इन सब का यूज होता है, इसलिए मैंने इनको अलग रखे हुए हैं। और एक ही मेरे ये वाले हैं, इसमें मल्टी कलर के सारे हैं, इसमें काफी सारे मिसिंग हो गए मेरे, मैंने आपसे कहा ना छोटे छोटे बॉक्सेस में रखने की वजह से मेरे, देखिए 1 2 3, और एक इसका ग्रीन कलर का पेयर, ये मेरा मिसिंग हो गया है, तो बाकी ये है। बट वही हो जाती है प्रॉब्लम, जब मुझे चाहिए होता है तो मुझे मिलता नहीं है सामान। और एक मेरा बॉक्स ये है जिसके अंदर मेरे बड़े बड़े से इयररिंग्स हैं, जैसे लाइक दिस है ना, और एक बहुत ही सुंदर वाले हैं मेरे लाइक दिस रेड कलर में। तो अब यही सोचा है कि ये जो मेरा थोड़ा सा इधर भी मैंने फैला रखा है, इधर से थोड़ा सा जो मेरा ये नन्ना मुन्ना सा सामान है, इसे हम अपनी इस कवर्ड में कर देंगे। अंश हैरान परेशान होकर देख रहा है कि मेरी माँ के पास तो सामान है ही नहीं, तो मैं सोचू इस कवर्ड में ही इसको सेट कर देती हूँ और इसे अपनी कवर्ड में रख लूंगी सामने, जिसमें की सारा सामान मेरा इसमें आता रहे। तो आइडिया तो मेरे को अपना अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या मेरी सेटिंग ठीक है। मुझे बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि जो मैंने ये सोचा है अपना ये छोटे छोटे सामान को इस कवर्ड में सेट करना, वो ठीक है या नहीं है। ओके चलिए, पहले फर्स्ट बॉक्स में देखती हूँ, जो सबसे ऊपर फर्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं रखती हूँ डेली यूज का, जो मैं रोज पहनकर स्कूल जाती हूँ ना, तो सबसे पहले तो एक इसको सेट कर लेती हूँ इसमें, और अपनी इन झुमकियों को, क्योंकि मेरी ये झुमकियाँ भी मैं मोस्टली पहने रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ये इजी टू वेयर भी है, मल्टी कलर भी है, हर साड़ी के संग चल जाती है, है ना। और एक ये येलो वाले भी इसमें रख लेती हूँ, ऑरेंज और ब्लैक, ब्लैक तो देखिए सभी के संग चलते हैं, है ना, तो ये इसके अंदर मैंने रख दिया। एक और है मेरे पास डेली यूज की झुमकी है, ये भी झुमकी है ना, ये भी अच्छी लग रही है, इसे भी इसमें रखते हैं, डेली यूज का मटेरियल इसमें रखती हूँ। और मेरी प्यारी बालियाँ जो मैं लाई थी, इसमें मेरी एक बाली मिसिंग है, पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने आपसे कहा ना मैं रखकर भूल भी जाती हूँ चीज़ें, पर्पल कलर की मैं लाई थी बहुत अच्छी बाली, मेरी वो मिल नहीं रही है, इन बालियों को भी मैं इसी में ही रख लेती हूँ। और ये वाले तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, आप लोगों ने देखे भी थे, मैंने 30 पर भी पहने थे गणपति जी वाले, मुझे बहुत, पर ये ओकेजन वाइज पहनती हूँ, है ना, तो फिर इसे तो इसमें रखना सही नहीं है, क्योंकि ये तो डेली यूज के हैं, तो डेली यूज में मैं अपने
ये वाले इयररिंग्स भी डेली यूज में रख लेती हूँ, ठीक है ना, ये भी इसमें आ गए। तो ऐसे ही डेली यूज के एक में रख लेती हूँ और बाकी सब अलग अलग। डेली यूज के बहुत है मेरे पास, ये वाले भी डेली यूज के। चलिए, ज्यादा बड़े बड़े तो ओकेजन वाइज में पहनती हूँ, नॉर्मल डेज में तो मैं छोटे छोटे पहनना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि स्कूल में फिर इतने बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। ये भी मेरे देखिए प्यारे लग रहे हैं ना, ये वाले भी झिंग 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 झिंग, इन्हें भी इसमें रख लेती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, ये पिकॉक, पिकॉक देखो, पिकॉक कितने सुंदर है ये। इनके साथ में ना मेरे पास गले का भी है मंगलसूत्र, जो अभी मिसिंग है। चलिए हो गया, डेली यूज वाले तो काफी सारे हो गए। अभी ये भी पूरा बॉक्स ये भी डेली यूज वाला ही है, बट इसे मैं अभी नहीं खोलूंगी क्योंकि बहुत काम हो जाएगा फिर मेरे लिए। चलो, मेरा फर्स्ट बॉक्स तो मैंने रेडी कर लिया अपना डेली यूज के मटेरियल से। ये मेरा डेली यूज का है, जो मुझे रोज स्कूल में चेंज करना है या पहनना है या कोई स्पेशल साड़ी के साथ का होता है ना, तो फर्स्ट बॉक्स मेरा हो गया है रेडी। अब सेकंड वाले में मैं डालूंगी ओकेजनल वाइज, जो ओकेजन वाइज मैं पहनती हूँ तो वो इसमें डालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर भी अगर ऐसे बॉक्स करके भी रख दें तो ये भी सही लग रहा है ना, इस तरह करके अगर बॉक्सेस बनाकर मैं इसके अंदर रख देती हूँ तो सेफ रहेगा और सामान भी सारा सेट रहेगा। तो इसके अंदर मैंने अपने ओकेजन वाइज पहनने वाले रख लिए हैं, जो मैं मल्टी कलर के और ये सब पहनती हूँ, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसमें मैंने अपने ये वाले भी ऐड करे, मेरे बहुत ही पुराने हैं बट मुझे बहुत पसंद है ना, तो ये वाले भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। इयररिंग्स तो एक बॉक्स इसका ये रेडी करके मैंने इसके अंदर ही सेट कर दिया है। सेकेंड, जो मेरे एंटीक से एंटीक जो मैंने गणपति जी वाला आपको दिखाया था ना, उसको मैं इनमें ऐड इसमें कर लेती हूँ क्योंकि ये इसमें ही अच्छे लगेंगे। इनके नीचे ना मोती हैं, फिर वो मोती टूट जाते हैं, और एक ये वाला सिल्वर से जो रिलेटेड है वो इसमें डाल लेती हूँ। और हाँ, मेरे पास एक बहुत सुंदर गणपति जी का पैंडल है, जो मैंने अपना मोदी केयर से मेरे को मिला था गिफ्टेड। मैंने मोदी केयर का देखी, कितना सुंदर है ना गणपति जी का, इसको भी मैं इसमें रखती हूँ। और एक बॉक्स देखिए और रेडी। तो गड़बड़ हो गई, अगर ये वाला बॉक्स आ रहा तो ये नहीं आ गया। चलिए देखिए, दोनों बॉक्स आ गए इजीली, है ना। अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस इधर उधर बच रहा है, तो इसमें मैं सोच रही हूँ मैं अपने ये रख लेती हूँ झुमकी अपनी, इस तरह करके झुमकी बिल्कुल सेट हो जाएगी इसके अंदर। देखिए हो गई सेट, ओके। और एक ये मेरा चेन की डिब्बी है, इसको भी इसमें ही ऐड कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी पहनने वाली होती है ना। और इसके साथ ही मेरा दूसरा भी बॉक्स रेडी। और इसमें मैं रखती हूँ अपना जो कभी कभार पहनती हूँ, कभी कभी, है ना, तो वो रख लेती हूँ इसमें। एक पाउच का पाउच ही पूरा इसमें आ गया, इसमें आ गया मेरा ये मंगलसूत्र। मेरा एक ब्रेसलेट है, ये मेरे बच्चों ने मुझे दिया था मदर्स डे पर, इसे इसमें रख लेती हूँ। और बस ये हो गया इसमें सेट, एक मेरा सेट इसमें है ये मल्टी कलर का, इसे भी इसमें सेट कर देते हैं। ये दो इसमें सेट हो गए। और एक मेरा प्यारा सा एप्पल, इसके अंदर है मेरी चैंस आर्टिफिशियल्स, वो सब मैं इसमें सेट करके रखूं। और इसमें आएंगी मेरी ये बड़ी बड़ी महारानियों वाली रिंग्स, एक और भी है सिंपल रिंग है, वो भी इसमें रख लेते हैं। फाइनल
मेरे तीनों कवर्ड हो गए हैं रेडी। तो फाइनल मेरे तीनों कवर्ड रेडी हो गए हैं। सबसे ऊपर डेली यूज में डेली यूज का सामान, उसके बाद ओकेजन वाइज कभी कभार वाला, और सबसे नीचे मैंने रख दिया कभी कभार जो पहनती हूँ, कभी कभी, डेली नहीं पहनती हूँ ये। और इसमें सबसे ऊपर मैं यहाँ रखूंगी अपना रोज का सामान, जैसे मेरी सेफ्टी पिन्स हैं, साड़ी पिन है, ब्रॉच है, हेयर पिन्स हैं, इन सबको मैं रखती हूँ इसमें सबसे ऊपर। डन। हाँ जी, तो आज का हो गया है मेरा टास्क कंप्लीट। मैंने अपनी इस मिनी कवर को प्रिपेयर कर लिया है अपने लिए, सारा मेरा मटेरियल इसमें आ गया है। मुझे कहीं पर भी जाना होगा तो मुझे अपने बैग खोलने की नीड नहीं है, मुझे अपनी कवर्ड खोलने की नीड नहीं है, मेरे पास अपनी ये छोटी सी मिनी कवर्ड है, इसमें से मैं अपनी सारी चीज़ें ले लिया करूँगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग, प्लीज़ इसे देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा नीड है मुझे आप सबके सपोर्ट की। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा और बताइएगा, कोई सजेशन देना चाहे तो सजेशन भी दे सकते हैं आप, कुछ चेंज करने के लिए, कुछ न्यू थिंग्स डालने के लिए जो हम अभी कर रहे हैं प्लान। बट यू नो, कोई भी नई चीज़ अगर हमें करनी है ना, उसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर टाइम। तो घूम फिर का टाइम बचता है हमारे पास एक संडे, तो संडे को ही हम कुछ न्यू प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अंश ब्लॉग में दिखने लगभग बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि उनका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। और मॉर्निंग में जाता फिर शाम को ही आएगा मेरा बच्चा आफ्टर कोचिंग एंड ऑल। तो जितना भी हो सकता है ना, प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा कि कैसे मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपने व्लॉग्स को और अच्छा बना सकती हूँ। कोशिश तो अपनी तरफ से मैं कर रही हूँ, बट फिर भी आप लोगों की एडवाइस की तो मुझे रोज़ ज़रूरत है, रोज़ नींद पड़ेगी। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई ब्लॉग्स। बाय।